लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिला मत, वरना गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर अमर, टिकट कर गई है बॉस, हार्ट फेल। एक्सक्यूज मी मिस्टर, विशाल अग्निहोत्री, तुम यह क्या कर रहे हो? बस में आदमी क्या करता है, नाजायज काम करना मेरी आदत नहीं। टिकट है मेरे पास, वैसे भी मेरा स्टॉप आ गया। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये काम इंस्पेक्टर अमर का है, उसी ने जान लिए मेरे बेटे की। तुम फिक्र मत करो, इरफान का कातिल बहुत ही जल्दी बेनकाब हो जाएगा। पुलिस की जमात से मैंने एक बेसुराब बेढंगा नचोड़ा, लेकिन एक बहुत ही काम का मोहरा ढूंढ लिया है। सलाम सेठ, सलाम सेठ। बहुत खुशी हुई जो आपने काशीनाथ साहू को याद किया, इतनी खुशी तो काशीनाथ को पुलिस की नौकरी मिलने पर भी नहीं हुई थी। मैंने भी आप तक पहुंचने के लिए बहुत रिस्क उठाया है। पुलिस वाला हूं ना, रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तुम इरफान की मौत के बारे में सच सच बताओ, मैं तुम्हें और खुशी दूंगा। नहीं नहीं सेठ, मैं लालची नहीं हूं। और फिर क्या है, सच्चाई को सामने लाना तो पुलिस वालों का काम है। टोपी हाथ में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको इरफान के मर्डर का आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। सिर्फ बुरा नहीं मानना, लेकिन ये केस का मैं 1 सेकंड का 100 रुपया चार्ज करूंगा। ठीक है, बराबर। ये बटले, तेरी घड़ी ठीक है ना? टोपी पकड़, घड़ी दे, चोरी का माल नहीं है ना? आपका आदमी चोरी का माल कैसे होगा? स्टार्ट। तो नाइट क्लब का माहौल था, 11 बजे का वक्त था, नाच गाना जोर शोर से चल रहा था। कोई नई बात बताओ, ये तो मैंने भी देखा था। बत्ती बंद होने के बाद क्या हुआ था? हाँ, ये तो सब आपने देखा था ना, ये मैं पैसे बनाने के चक्कर में जरा। तो क्या है, लाश को देखने के बाद में इरफान बाहर की तरफ भागा। हम इरफान तक पहुंचते, वो ऊपर पहुंच गया था, और हमको तो सिर्फ इरफान की डेड बॉडी ही मिली। उसको मारने वाला कौन था? अगर हम उसको देख लेते तो साले को वहीं गोली नहीं मार देते। 40 सेकंड हो गए, सिर्फ 4,000। रिजवान, इसे 10,000 दे दो। 10,000? आगे भी इसे बहुत काम करने हैं। तो इरफान की मौत इंस्पेक्टर अमर के हाथों नहीं हुई? नहीं। फिर कौन मार सकता है मेरे बेटे को? इस शहर में एक ही शख्स है जो जिब्रान पर डंक मारने की जुर्रत कर सकता है। टाइसन इस शहर में ड्रग्स का सबसे बड़ा व्यापारी, उसका छोटा भाई जैक्सन, फ्लोरा टाइसन की रखेल, और ये है मार्कोस टाइसन का दाहिना हाथ। शहर में सारे खून खराबे इसी से करवाता है, बहुत खतरनाक आदमी है। ए चकाचक चकाचक, 2-2 रुपये में आ जा, किस्मत चमका ले, आ जा सेठ, आ जा।
अरे जूते घिस गए सेठ। क्या? मेरे जूते घिस गए मार्कोस का पीछा करते करते। साला पुलिस से बचने के लिए कभी उस होटल में भागता है, कभी इस होटल में भागता है। सर वो आ गया। मार्कोस डार्लिंग, अब हम कहाँ जाएंगे? डार्लिंग बस एक माल की डिलीवरी कर दूं। मार्कोस टायसन का सबसे वफादार और खास आदमी है। काशी जी, अगर हमने मार्कोस को माल के साथ गिरफ्तार कर लिया तो टायसन को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। राइट सर। क्या हुआ? तू बैठ, मैं आता हूँ। जल्दी आना डार्लिंग। ओके। ये वापस क्यों जा रहा है? ये ऊपर से बुलावा आया होगा। तुम मौत। शॉर्टकट से आया। ठहरो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि हादसे के वक्तों में होटल में क्या कर रहे हो? क्यों, यहां कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं किसी खास काम से आया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? ये मेरा जाती मामला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो जाती मामला क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते के हर मोड़ पर तुम मुझे सामने पाओगे विशाल। मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच उगलवाना मेरा पेशा है। तुम बेकार में मुझसे उलझ रहे हो इंस्पेक्टर। क्या बात है विशाल, कौन उलझ रहा है तुमसे? इंस्पेक्टर अमर सक्सेना। अरे इनका कहना है कि मैंने अभी अभी किसी का खून किया है सर। अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन सर आप इसे, पिछले दो घंटे से विशाल तो मेरे साथ था। जिंदाल साहब आप इसकी असलियत नहीं जानते, इसने आपको भी अंधेरे में रखा हुआ है। अरे अंधे को कौन अंधेरे में रखेगा भाई। बहरहाल विशाल पर आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बहुत ही शरीफ आदमी है। शरीफों की शराफत इनसे नहीं देखी जाती जिंदाल साहब। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना मुझे माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, उसे जन्म देता है तुम्हारा कानून, तुम्हारी पुलिस। विशाल मैं पुलिस का वो मोहरा हूं जिसे तुम मात नहीं दे सकते। और याद रखना, जेल की वही कालकोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, याद रखना इसे। सुलेमान जी से आधी रात को ये सारा सामान हिफाजत से बोर्ड तक पहुंचाना चाहिए। जी। रात को नाकाबंदी चल रही है, काम होशियारी से करना। काम हो जाएगा जी। तेरा आखिरी वक्त आ गया है चौकान, मल के लिए हमारे आदमी को मारता है। हट छिलके, पीछे हट, हट। क्या हो रहा है, ये सब क्यों आए हो? हम मार्कोस की मौत का हिसाब लेने आए हैं जिब्रान। तभी हुई चिंगारी को हवा मत दो जैक्सन, वरना पुरानी दोस्ती का गला घोंटना पड़ेगा मुझे। जिब्रान सामने दोस्ती की बात करता है, पीछे से दुश्मनी का खेल खेलता है। यू डर्टी माइंड। शट अप यू डर्टी माइंड। बहन के जहर ने तेरे दिमाग को खोखला कर दिया है भाई। इन सब की खबरें यही बनानी पड़ेंगी, खत्म कर डालो इन सबको। ये
रुक जाओ। टाइसन, लगता है आज तुम खुदकुशी करने के इरादे से यहां आए हो। जिंदा तो तुझे मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा अगर कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरी AK-47 बोलेगी। चल जैक्सन। भाई आपने लोगों को जिंदा क्यों छोड़ दिया? बारूद के ढेर पर बैठकर आग का खेल नहीं खेलते रिजवान, इस वक्त गुस्सा पी जाने में ही समझदारी है। अगली बार अगर टाइसन ने मेरे सामने आने की हिमाकत की तो मैं उसे और उसकी डोली को सीधा जहन्नुम पहुंचा दूंगा। आइए सर। हेलो जिंदाल साहब। वेल डन विशाल, वेल डन। टाइसन और जिब्रान की दुश्मनी की आग को और भड़काकर तुमने उन दोनों को खत्म कर देने की बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। वो दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे और तुम आसानी से उन दोनों को अपना निशाना बना सकते हो। लेकिन पुलिस से होशियार रहना विशाल, खासकर इंस्पेक्टर अमर सक्सेना से, उसे तुम पर शक हो गया। विशाल विशाल विशाल, तुम बेकार में एक बेगुनाह आदमी के पीछे पड़े हुए हो, उसके चक्कर में तुम मुझे भी भुला चुके हो। आज मालूम है क्या दिन है? क्या दिन है आज? तुम सच्ची नहीं जानते आज क्या दिन है? नहीं। रोमा, क्या दिन है आज? किसका इंतजार हो रहा है रोमा? तुम्हारे ऑफिस के तो सब लोग आ चुके हैं। रोमा, मेरा ख्याल है कि केक काटने की रस्म हो जाए, बगैर केक वेक खाए प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या बात है रोमा, 21वें साल में कदम रख दी, डर लगने लगा है? रोमा, मैं तो तालियों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हूँ। सॉरी, लगता है तुम्हें अपने किसी खास मेहमान का इंतजार है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। रोमा, अब खुदा के लिए केक काटो और इंतजार मत कराओ, हम सबको बहुत भूख लगी। ठीक है, क्या खुशबू है। रोमा, अब भूखों को और इंतजार बिल्कुल मत कराओ, हम सबको बहुत भूख लगी। चलो ना रोमा, कितनी देर करोगी? अब देर मत करो, चाकू चला दो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं जानता हूँ बर्थडे गिफ्ट लिए बगैर तो तू केक काटेगी नहीं। आओ बेटे, आओ। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू आंटी। नमस्ते जिंदा। नमस्ते। हेलो सर। हेलो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रोमा। भाई देखो, फूल और गुलदस्ते बहुत हो चुके तोहफे में, अब किसी खास तोहफे से तुम्हें खुश करना पड़ेगा मेरी बेटी को, क्यों बहन जी? बिल्कुल भाई साहब। दोस्तों, मेरी बेटी ने अपना हमसफर चुन लिया है और वो है अमर सक्सेना। कितनी खुशी। जेलर साहब, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि प्रेस और पुलिस का तो 36 का आंकड़ा रहता है, फिर ये बात गठबंधन तक कैसे पहुंच गई? बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। बहुत बहुत। चलो भाई, एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ, सगाई की रस्म पूरी करें। Who's speaking? Mr. Lee from Hong Kong. Hello, Mr. Lee, how are you? मैं फ्लोरा बोल रही हूँ। You have to have dirty mind. जी, एक मिनट। Sir, Mr. Lee from Hong Kong. Hello, Mr. Lee. Yes, yes, yes. सावधानी से काम करना काशी, टाइसन को रंगे हाथ पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, और मैंने एयरपोर्ट जाकर पूरी जानकारी ले ली है। वो चाइनीज और कालिया आए नहीं है फ्लाइट में। आयुषो, हाँ, डर के मारे प्रोग्राम चेंज कर दिया होगा दोनों ने। मार्कोस के बाद मिंटो ही टाइसन का सबसे वफादार आदमी है। शहर के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के आसपास यही गर्द सप्लाई करता है। ये है टाइसन के छोटे भाई मिस्टर जैक्सन। हेलो मिस्टर जी। मिस्टर जांडेला, माल किधर है? आउट कैश इधर है।
पहले हम ब्राउन शुगर देखना मांगता, फिर तुम माल देखेगी। माल की फिक्र मत करो मिस्टर ली, माल एकदम चकाचक है। हमको ब्राउन शुगर मांगता, नो चकाचक। चकाचक का मतलब प्योर मिस्टर जंदेला, एकदम प्योर माल देगा। वाह, एकदम प्योर माल है। सुनने के साथ ही पसीना निकलता है, एकदम हॉट माल है। चेहरे पे चेहरा, सर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तेरे मुंह से काला रंग निकल रहा है कालू राम, फिर तूने मुझे फंसा दिया। क्या बात करते हो, एशियन पेंट है। और तेरी दाढ़ी क्या बोलती है चीनी? सर इसको बोलो हिंदी चीनी भाई भाई, नहीं तो ये बहुत मारेगा। ये क्या मारेगा, इसकी तो हम मारेंगे। कौन है तुम लोग? इंस्पेक्टर अमर सक्सेना। सब इंस्पेक्टर जंडेला उर्फ काशीनाथ साहू, सब दरवाजे बंद कर दो, जिंदा मत छोड़ दो इन दोनों को। यहां आकर इन कुत्तों ने अपनी मौत को दावत दी है। हैंड्स अप। वाला है, चार पहिए पे अर्थी जा रही है और साथ में क्रियाकर्म भी हो गया। वाह, निशान अग्निहोत्री, तुम्हारा मतलब है मेरे अड्डों पे रेड करके मेरे आदमियों को बेवजह मार के पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है?
नहीं, अमर ने तुम्हारे गोडाउन में गड़बड़ी जरूर मचाई है, लेकिन उसने किसी आदमी को मारा नहीं। हम खुद नहीं समझ रहे कि पुलिस का बिल्ला लगाए बगैर हमारी ड्यूटी कौन निभा रहा है। ये खेल टाइसन नहीं कोई और खेल रहा है सेठ, और आप दोनों के तबले पे थाप दे रहा है। वैसे मैं ये महारथी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है वो? बताता हूँ। ये बात अगर मैं पुलिस वालों को बता दूं तो मुझे अवार्ड मिल जाता, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, आपका रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन इस बार मैं 1 सेकंड का 1000 रुपया लूंगा। क्या है कि एसटीडी का रेट दिन में डबल हो जाता है ना। आपसे सिर्फ मैं 500 लूंगा और बाकी के 500 मैं टाइसन से वसूल कर लूंगा। तो शुरू करूं? स्टार्ट। तो मिंटो भागा, मिंटो के पीछे अपना चिकना इंस्पेक्टर भागा, उसके पीछे मैं भागा। मिंटो भागते 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 चलती गाड़ी में घुस गया। वो साला ये समझ रहा था कि पुलिस वाले से बच गया, तो गाड़ी वाले ने उसको लपक के ऐसा झपटा जैसे चील चूहे को झपटती है, सीधा मौत के मुंह में लेके गया। गाड़ी 50 फीट नीचे जाके गिरी, अपना महारथी साला जंप करके आउट, बेचारा मिंटो मर गया। लेकिन वो महारथी को मैं पहचान गया। उस महारथी का नाम तो बताओ। विशाल अग्निहोत्री। विशाल अग्निहोत्री? हाँ, न पुलिस का आदमी है न टाइसन का आदमी है। झटका लगा ना, मुझे भी लगा था। पुलिस ने इरफान मर्डर केस में और मार्कोस मर्डर केस में विशाल को लाश के आजू बाजू पाया था। 50 सेकंड हो गए, सिर्फ 25,000 मिल जाएंगे। इरफान, फौरन फैक्ट्री पहुंचकर सबको चौकन्ना कर दो। बिंदा ठाकुर जिब्रान की ड्रग्स फैक्ट्री का सुपरवाइजर है। ये टेक्सटाइल मिल जिब्रान ने सिर्फ अपने काले धंधों पर पर्दा डालने के लिए खोल रखी है। हकीकत में यहां उसकी खुफिया ड्रग्स फैक्ट्री है। यहां रोज रात को 1000 किलो नशे का कच्चा माल लाया जाता है और उसे और जहरीला बनाकर पूरे मुल्क में फैला दिया जाता है। अगर ये ड्रग्स फैक्ट्री बर्बाद हो जाए तो जिब्रान की कमर टूट जाएगी। तो किधर जाता है? कौन है तू? इलेक्ट्रिशियन। पर बिजली तो जल रही है। बिजली चल रही है ना, अब बिजली गिरेगी। हम दोनों एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अपने जानो माल के नुकसान के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
जबकि कोई तीसरा हमारी दुश्मनी का फायदा उठाकर हमारे बीच दरार डाल रहा है। कौन है वो? विशाल अग्निहोत्री। पर वो हमें क्यों बर्बाद करना चाहता है? इसी बात ने तो मुझे परेशान कर रखा है। देखो टाइसन, इस मामले पर हमें फौरन बात करनी चाहिए। तुम कल मेरे घर चले आओ। कल तेरे घर पे नहीं जिब्रान, हम लोग किसी ऐसी जगह मिलेंगे जो ना तेरा इलाका हो और ना मेरा। पूरी बंदर वाली क्वेरी पे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। ठीक है। बोलो डर्टी माइंड। टाइसन बहुत ही नाजुक घड़ी है, हमें आपस ही दुश्मनी भुलाकर एक ताकत बनना होगा। ए डर्टी माइंड, कहीं ये तुम्हारी नई चाल तो नहीं है जिब्रान? मेरी खबर सुनाने सच है, मेरी बात का यकीन करो। मौत हमारे सर पर मंडला रही है, विशाल अग्निहोत्री को हमें My...